हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर रजनीश। आज आप लोगों को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में बताएंगे दोस्तों, और उसका कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताएंगे। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसका मेंस होता है पैटर्न हेयर लॉस। और पैटर्न हेयर लॉस किस टाइप का हुआ दोस्तों, तो ये आगे में धीरे धीरे यहाँ से और यहाँ से और कुछ जाकर के यहाँ से हेयर उड़ जाता है, गंजापन आ जाता है उसमें, तो उसी को एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हेयर लॉस, उसको पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, जो इस टाइप से होता है। तो दोस्तों, यह जेनेटिकल प्रॉब्लम मेनली होता है, और दोस्तों ये लड़कों को भी होता है और लड़कियों को भी होता है। तो इसका काउजेज में फर्स्टली तो आएगा कि जेनेटिकल प्रॉब्लम, जैसे कि नहीं के फादर के बाल नहीं है तो उसके सन के ही बाल शुरू में तो होगा, लेकिन धीरे धीरे वो लॉस होगा, वो जेनेटिकल दोष आता है। और किन्हीं किन्हीं को खान पान में गड़बड़ियों के वजह से ये दोष आता है। और दूसरा काउजेज है दोस्तों, हार्मोनल डिजॉर्डर, उसमें हार्मोनल डिजॉर्डर होता है, सेक्सुअल हार्मोन जो एक होता है इसे ऊपर और नीचे, इस वजह से भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और ये लड़कों और लड़कियों दोनों को इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। अब लड़कियों को ऐसा होता है कि बाल झड़ रहा है, बाल थीन होते जा रहा है, तो ऐसा वाला प्रॉब्लम आता है कि बाल मेरा थीन है, पूरा बाल गुच्छे को गुच्छे झड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम लड़कियों को भी आता है, लड़कों को भी प्रॉब्लम आता है। अब काउजेज क्या है दोस्तों इसका, तो काउजेज दोस्तों बस यही है कि साइन और सिम्टम, काउजेज तो बता ही दिए, साइन और सिम्टम जान लीजिए दोस्तों। तो साइन और सिम्टम इसका ही है कि बस दिखाई देता है कि मेरा यहाँ से बाल धीरे 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 यहाँ से और धीरे धीरे यहाँ से बाल जब उड़ रहा है, तो समझिए कि एंड्रोजेनिक के एलोपेशिया पैटर्न हेयर लॉस वाला प्रॉब्लम आपको शुरू हो गया दोस्तों। तो अगर डायबिटीज पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेयर पैटर्न लॉस बहुत ज़्यादा डायबिटीज पेशेंट को होता है, तो दोस्तों इसका हम होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहे हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें बहुत ही कारगर काम करती है। तो दोस्तों, फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन तो है जबरंडी क्यूब, उसे बस जबरंडी क्यूब 30 ml का ले लें दोस्तों, और उसे आप बस रात में गंजापन टाइप जहाँ गंजा गंजा हो गया वहाँ पर 4-4, 5-5 बूंद ले लें, और बस उसको ऐसे करके लगा लें रात के रात डेली। जब रंडी क्यू जो दोस्तों, इसको 30 ml में ले लें आप लगाएं। और दूसरा दवा है दोस्तों, आप थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 ले लें, इसे भी आप 4 बूंद सुबह और 4 बूंद खाएं। और एक थोड़ा सा सतर्कता रखें, धूलकण से थोड़ा बचाव रखें सर को, खान पान पर विशेष ध्यान दें, सुबह कम रात सनोरी से सब है तेरी